गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। कल अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था सीड्स एंड सीड्स। सीड्स एंड सीड्स के बारे में अपने कल थोड़ा बहुत रीड किया था और अपन को इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ देखे थे। आज अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक का नेम है प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड। आपको एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ मैं, आपको प्लांट करना है एक सीड। सबसे पहले क्या करना है, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ, यानी कि आपको या तो क्ले का पोट लेना है या फिर टिन लेना है, यानी कि एक बर्तन लेना है जिसका जो ऊपर का जो मुंह है वो बहुत वाइड है, यानी कि चौड़ा है। जैसे देखो, जैसे आपने पॉट तो सबने देखे होंगे नॉर्मल ये, ठीक है। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। आपने जो अगर कैन लिया है तो उस कैन की जो ना नीचे बॉटम में ना आपको छोटा सा होल करना है। फिल योर कैन विद सॉइल, फिर उस कैन को आपको सॉइल के साथ फिल करना है। Put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. आपको ना 4 से 5 ना seeds उस soil के अंदर डालने हैं और थोड़ा सा उसको अंदर सिर्फ press करना है। Different group can plant different kind of seed, यानी कि अलग अलग जो plant के group है वो अलग अलग type के seeds अपन उसमें डालेंगे। यानी कि जैसे अगर अपन mango का seed डाल रहे हैं तो उससे mango का plant grow होगा। अपन टमेटो का सीड डालो तो उसमें से टमेटो का प्लांट निकलेगा, ठीक है। वैसे अगर अपन मस्टर्ड का डाल रहे हैं या फिर मेथी का डाल रहे हैं, सीसम का डाल रहे हैं, कोरिएंडर के डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो सीड अपन डाल रहे हैं उसी टाइप का वो प्लांट आएगा, सच एज मस्टर्ड, फेनुगिक यानी कि मेथी, सीसम यानी कि तिल, और कोरिएंडर यानी कि धनिया। तिल अपन सब खाते हैं ना, तिल व्हाइट कलर के होते हैं, तिल के लड्डू भी खाते हैं सबने, सबको पता है ना, तो ये वही सीसम है। अब देखो राइट, आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द सीड, आपने कौन सा सीड डाला है, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड डैम, यानी कि जब आपने उस सीड को डाला था उस पॉट में। देखो फिर द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ सॉइल स्टार्ट फीलिंग द टेबल, और फिर आपको वो ऑब्जर्व वो वाली डेट लिखनी है जब ना सॉइल के अंदर से कुछ बाहर की तरफ आने लगा। तो जो हमने सीड डाला था वो क्या था, नेम ऑफ द सीड आंसर है मस्टर्ड। ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। ये आपको ऐसे टेबल बनानी है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना, देखो आपको डबल डबल वार नहीं करना है, सबसे पहले ये राइट वाली हेडिंग डालना, क्वेश्चन लिखना, नेम ऑफ द सीड, नेम ऑफ द सीड के सामने आंसर क्या लिखोगे, मस्टर्ड यानी कि सरसों, यानी कि अपने पोट में सॉइल के अंदर कौन सी सीड डाली, सरसों की यानी कि मस्टर्ड की। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड डैम, यानी कि वो डेट जब अपन ने उसको प्लांट किया था, तो क्या आएगा, 2 अक्टूबर, या अपनी तरफ से कोई भी डेट लिख सकते हो। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, जब उस सॉइल के अंदर से बाहर की तरफ कुछ आने लगा तब आपको वो वाली डेट लिखनी है। देखो 2 अक्टूबर को अपन ने डाला, तो आप चाहो तो इसकी जगह 2 जुलाई 2021, ठीक है, ये लिख देना। फिर सेकंड के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखो, 10 अक्टूबर के जगह ना जुलाई, फिर 11 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई, ठीक। तो देखो 10 जुलाई को क्या हुआ था, हमें ऑब्जर्व हाइट ऑफ द प्लांट जो सेंटीमीटर में, वो क्या हो गई थी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि सॉइल से 1 सेंटीमीटर 10 जुलाई को वो प्लांट ग्रो हुआ। नंबर ऑफ लीव्स सीन, हमें कितनी उसकी लीव्स दिखी थी, 2। देखो जब है ना न्यू ना ग्रो होती है ना, तो वो इस टाइप से होता है प्लांट, ठीक है, इसकी लीव्स कितनी है, 2। एनी अदर चेंज, और कोई चेंज दिखा, नो। अब 11 जुलाई को 1.5 सेंटीमीटर का वो ग्रोथ हुआ, तो उसमें अपन को कितनी दिखी, 3, और कोई चेंज हमें नहीं दिखा। 12 जुलाई को 2.5 सेंटीमीटर का लीव्स हमें कितनी, 4, और स्टेम बिकम थिकर, ये जो स्टेम होती है ना थोड़ी सी मोटी हो गई थी। 14 जुलाई को 4 सेंटीमीटर का प्लांट हो गया था, हमें लीव्स दिखी थी 6, स्टेम बिकम मोर थिकर, जो स्टेम होती है ना ये और थोड़ी सी मोटी हो गई थी, यानी कि हमें ये सारी चेंजेस दिखे। आया समझ में, आपको कैसे करना, ये टेबल आपको 2-2 बार नहीं बनानी, एक बार आपने लिखा ये क्वेश्चन उसके सामने आंसर, फिर आपने एक बार टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर ये आपको फिल करना है।
अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये राइट वाला आपको क्वेश्चन करना है बुक में। अब देखो फाइंड आउट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, कि उस प्लांट को सॉइल से बाहर आने में कितना टाइम लगा। इसके आंसर्स देखते हैं। It took about a week for the plant to come out from the soil. क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है, ठीक है, यानी कि उसको उस प्लांट को सॉइल से बाहर आने में 1 week लगा, यानी कि 7 days लगे। What was the difference in the height of the plant on first and the second day? यानी कि जो first day में जब है ना वो बाहर आया सॉइल से, उसमें और जब सेकेंड डे में, दोनों में उस प्लांट की हाइट में क्या डिफरेंस था? द हाइट इंक्रीज बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर, यानी कि जैसे आज फर्स्ट डे मान लो उसका हाइट था 2 सेंटीमीटर, तो सेकेंड डे उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर, ये अपने गेस किया, ठीक है, यानी कि हाफ सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ी। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, यानी कि कौन से डे पे उस प्लांट की हाइट सबसे ज्यादा हो गई थी? ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, यानी कि थर्ड डे पे उस प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ प्लांट एवरी डे, क्या हर रोज उस प्लांट की लीव बाहर आती थी? यस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, यानी कि हाँ रोज एक नई पत्ती या नई लीव उस प्लांट से बाहर आती थी। ये चारों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ प्लांट, क्या प्लांट की, ये प्लांट है, प्लांट का स्टेम है, ठीक है, क्या प्लांट की जो स्टेम है क्या इस स्टेम में कोई चेंज आया? यस, द स्टेम बिकम थीकर एंड थीकर बाय ईच डे, यानी कि रोज ये प्लांट की जो स्टेम है थोड़ी थोड़ी होके मोटी होती थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। तो ये अपना सारे क्वेश्चन नोटबुक में करना है, जिम्नास्टिक लगाया है, ये हेडिंग आना, फिर आप क्वेश्चन लिखना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिस्कस, आपको डिस्कस करना है, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डे फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, यानी ऐसा कौन सा बीज है जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है सॉइल के अंदर से बाहर आने में, यानी कि धीरे धीरे प्लांट ग्रो होता है, तो ऐसा कौन सा सीड है जिसको अगर अपन सॉइल में डालेंगे तो जो सॉइल से बाहर आएगा, ग्रोथ होगी उसकी, उसको बहुत टाइम लगेगा सॉइल से बाहर आने में। तो देखो क्या है, सीड ऑफ सीसम, यानी कि तिल, तिल एक ऐसा सीड है जिसको सॉइल से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, तो सीड ऑफ सीसम यानी कि तिल। ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ डिस्कस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, Which seeds took the least day to come out of the soil? और किसको सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है सॉइल से बाहर आने में? The seed of mustard, यानी सरसों, सरसों अपन सबको पता है क्या होता है, सरसों का तेल भी होता है, तो वैसे ही सरसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, ऐसा कौन सा सीड है जो कि ग्रो होता ही नहीं है और क्यों? All seed grow well in the presence of water and air. यानी कि कोई भी सीड होगा वो ग्रो होगा जब उसको पानी और एयर मिलेगी। If neither of these two factors absent, then it cannot grow. लेकिन जिस सीड को पानी और एयर यानी कि हवा नहीं मिलेगी तो वो सीड बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। Next है, did anyone plant dry up or turn yellow? Why did this happen? जब प्लांट सूख जाता है तो वो येलो कलर में क्यों चेंज होता है, या फिर जो प्लांट होता है उसका कलर येलो क्यों आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको देखते हैं। यस,
सम स्टूडेंट ड्राइड अप और टर्न येलो, यानी जो कुछ बच्चे थे उनके जो प्लांट थे ना वो सूख गए थे और उसका कलर क्या हो गया था, येलो. दिस हैपन बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर वाज प्रोवाइडेड. क्यों हुआ था, क्योंकि उस प्लांट को प्रॉपर क्या नहीं मिला था, एयर नहीं मिली थी और उसको हवा नहीं मिली थी, इसलिए वो प्लांट सूख गया था. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा. दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप. अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो उसका कलर येलो में चेंज हो जाएगा और वो प्लांट सूख जाएगा. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने थे, डिस्कस के लिए थे. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट. अब देखो, व्हाट इज इनसाइड द सीड, यानी कि सीड के अंदर क्या होता है, जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसके अंदर क्या होता है. देखो, इनसाइड द सीड देयर आर, ये देयर की स्पेलिंग यहाँ पे ना ये आएगी, देखो टी एच ई आर ई आर कोटाइलिडन्स एंड एम्ब्रियो. यानी कि जब आप बाद में बड़ी क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा कि कोटाइलिडन्स और एम्ब्रियो क्या होता है. आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि सीड के अंदर दो चीजें होती है, फर्स्ट होता है कोटाइलिडन्स एंड होता है एम्ब्रियो. कौन सी दो चीज होती है, कोटाइलिडन्स एंड एम्ब्रियो, ये आपको नोटबुक में करना है, ये इंपॉर्टेंट है. हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, यानी कि इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा प्लांट कैसे ग्रो हो जाता है. द सीड जर्मिनेट, जर्मिनेट होना यानी कि ग्रो होना, पूरा उसका प्रोसेस होना बड़े होने का. टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, द सीड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस सीडलिंग, यानी कि जो सीड है वो जर्मिनेट होता है, यानी कि ग्रो होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, वापस सीड. यानी कि देखो सीड है, उसमें से प्लांट निकलेगा, प्लांट में से फ्रूट्स निकलेंगे, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. तो यानी सीड बड़ा होता है सीड ग्रो करने के लिए. द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट. जो सीड्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को और न्यूट्रिएंट्स को, जो कि उसको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल में से, यानी कि ग्राउंड में से मिलते हैं और वो बड़े प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है. क्या हेडिंग डालोगे, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, ये हेडिंग डालना फिर क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. थिंक एंड इमेजिन, आप सोचो और लिखो. व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट वुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर, क्या होगा अगर प्लांट चलने लग गया तो. अगर प्लांट चलने लग गया तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी देखो इसने डायग्राम दे रखा है, ये आपको कॉपी में नहीं करना. नेक्स्ट है फाइंड आउट, डू सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स, क्या प्लांट सीड्स के बिना ग्रो हो सकते हैं. यस, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सीड्स के बिना ही ग्रो होते हैं. यस, सेम सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड, यहाँ पे सम आएगा, ये सेम नहीं है, यहाँ पे आएगा एस ओ एम ई सम, ये आपको नोटबुक में करना है. ठीक है, फिर से हेडिंग डालना फाइंड आउट, फिर से डालना नंबर वन. अब देखो प्लांट विच हॉन्ट, यानी कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, कैसे देखो. There are some plant which trap and eat frogs, insects, even mice. यानी कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि किसको खाते हैं, फ्रॉग्स को, यानी कि मेंढक को, इंसेक्ट्स को, या फिर छोटे छोटे से माउस को भी खा सकते हैं. ये क्या करते हैं, देखो ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट का नाम है पिक्चर प्लांट. अब ये प्लांट क्या करता है, इसका ना एक ऊपर ना माउथ होता है इस टाइप से, यानी कि कवर होता है. जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, इस माउथ को बंद कर देगा. बंद करने के बाद में इस इंसेक्ट को अंदर अपनी तरफ लेगा, अंदर लेके वो इसको ना पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके इसको पूरा डाइजेस्ट कर लेगा.
देखो द पिक्चर प्लांट, इसका नाम क्या है, पिक्चर प्लांट. द पिक्चर प्लांट इज वन सच अ प्लांट. इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ये कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में, इन और इन इंडिया. इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. यानी कि ये माउथ एक लीफ भी होती है, बट ये ना माउथ के शेप में होता है. जैसे ही कोई इंसेक्ट्स पे आता है और ये माउथ तो बंद हो जाता है. द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू. यानी कि इस प्लांट की एक स्पेशल स्मेल होती है, यानी कि खुशबू होती है, जिससे जो एनिमल्स होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि वो इनकी तरफ जाते हैं. When the insect land on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठेगा, देखो ये प्लांट ऐसा है ठीक है, इसका माउथ ऐसा होगा. जैसे ही कोई एनिमल इसके ऊपर आके बैठेगा ठीक है, तो क्या करेगा, अंदर गया तो ये ना इसने फटाफट से इसको बंद कर दिया माउथ को, और इंसेक्ट क्या होगा, उसको अपने अंदर ले लेगा. What a clever way to hunt. यानी कि कितना अच्छा तरीका है इसको हंट करने का. आया समझ में सबको. ये ना एक पिक्चर प्लांट होता है. इस प्लांट का नाम क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट. यानी कि वो प्लांट जो कि किसी इंसेक्ट को खाते हैं अपने ग्रोथ के लिए. ठीक है, ऐसे और भी थोड़े बहुत प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं. इस प्लांट का नाम क्या है, पिक्चर प्लांट. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सो मैनी सीड. इस टॉपिक को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे करेंगे. तो आज मैंने आपको जो भी करवाया है आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कर लेना, और आप टाइम टू टाइम वर्क करो, अपनी नोटबुक भी स्कूल में सबमिट करो ताकि वो चेक हो सके. और जो भी काम करते हो ना, नीट एंड क्लीन वर्क करना. और वैसे भी देखो आपको अभी कोई बर्डन नहीं है, तो आप अच्छे से एकदम आराम से काम करो, लेकिन कंप्लीट करो टाइम टू टाइम वर्क. अब नेक्स्ट अपना टॉपिक कल अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.